चल चल वे तू बंदे आ उस गलिये जहाँ कोई। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी इस तरह व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं अपनी फ़ोन पे, तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है एबी प्लेयर प्रो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो उसे सब्सक्राइब कर देना और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूले। चलिए दोस्तों, ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ऊपर जो बॉक्स का आइकन दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जो लोड फ्रॉम फाइल दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ पर टेम्पलेट सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेम्पलेट का नाम रहेगा विजुअलाइजर ST55, सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद आपको जो लास्ट में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ऊपर जो पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। करने के बाद जो एप्लीकेशंस के नीचे जो इमेज दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। करने के बाद जनरल के नीचे जो इमेज है वहाँ पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको कस्टम इमेज पे जाना है। जाने के बाद पीक इमेज पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ पर इमेज सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस इमेज पे आप वीडियो बनाना चाहते हो। मैं इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद उसे क्लोज करके फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद नीचे जो टेक्स्ट लिखा है दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो एपीडियंस है यहाँ पर क्लिक करना है। करने के बाद आप यहाँ पर जो माय चैनल का नाम लिखा है वहाँ पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जो मेरा चैनल का नाम दिखाई दे रहा हो उसे काट के अपना चैनल का नाम या अपना नाम दे सकते हो। इसे क्लोज करके फिर से बैक आ जाना है। आने के बाद नीचे जो ब्लर इफेक्ट दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ पर जो ऊपर जो नीचे जो एपीडियंस लिखा है वहाँ पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको जो ऊपर जो टू दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। करने का आपको कुछ इस तरह लेफ्ट साइड में ले जाना है। लेने के बाद आपको यहाँ पर जो वन हो जाएगा उसके बाद उसे क्लोज करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद नीचे जो पार्टिकल लिखा है वहाँ पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको जनरल पर जाके उसे विजिबल कर देना है। करने के बाद आपको फिर से उसे क्लोज करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप नीचे जो बार्स के नीचे जो इमेज दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको सबसे लास्ट में जो दिखाई दे रहा है जनरेटेड एल्बम आप वहाँ पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको नीचे जो लास्ट में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उसे टिक है ना, उसे अनटिक कर देना है। उसे फिर से क्लोज करके फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद लेफ्ट साइड में जो थ्री लाइन है वहाँ पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको नीचे जो लिखा है जो एक नंबर पे फर्स्ट में जो लिखा है लाइब्रेरी पे जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पर गाना सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस गाने पे आप वीडियो बनाना चाहते हो। गाना सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से वही तीन लाइन पे जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पर जो नीचे जो विजुअलाइजर लिखा है वहाँ पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको ऊपर जो कॉर्नर में जो राइट साइड में कॉर्नर में जो एरो का आइकन दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग करना पड़ेगा जिसमें आपको फुल वीडियो सेव होगा। उसे आपको वीडियो वेट की जगह जो भी कुछ लिखा रहेगा उसे काट के आप 1080 लिख लेना है। लिखने के बाद नीचे जो वीडियो हाइट है वहाँ पर जाना है। जाने के बाद उसे जो भी कुछ लिखा रहेगा उसे काट के आप उसे 1350 लिख लेना है। लिखने के बाद उसे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद नीचे जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। करने के बाद आप